हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आई होप आप सब सभी लोग अच्छे होंगे। मैं यही चाहता हूँ। और आज नया वीडियो, अभी मैं दो चार दिन वीडियो नहीं डालता था क्योंकि यूट्यूब चैनल वेरिफिकेशन के लिए डाला था और उसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए वेरिफिकेशन हो गया है उसका। तो पूरा वो उसका कल ईमेल आया, तो आज वीडियो बना रहा हूँ। आज 9 तारीख और 8 22 हो रहे हैं। और आज मैं आपको एक अच्छी जगह, स्पेशल जगह लेके जा रहा हूँ। पहले तो मैं जाएंगे अपन जाएंगे पहले मेरे दोस्त के घर, उसके बाद वहाँ से वहाँ चलेंगे। तो अभी तो चलते आपको बताऊँगा नहीं जगह, फिर वहीं चल के मिलेंगे। बड़ी अच्छी जगह मेरे के अंदर, अभी मैं थोड़ा तैयार होकर फिर अपन वहाँ चलते अनुभव के। अनुभव मेरा दोस्त, उससे मिलाऊँगा, बाकी सबसे मिलाऊँगा। तो A few moments later. तो फाइनली मैं आ चुका हूँ घर पे इसके अनुभव के। बड़ी धूप है बाहर और ये मेरे भाई, और इसके घर पे आ चुका हूँ धूप बहुत ही बाहर। तो आते आते अब आज मैं इसके 2 महीने बाद आया हूँ उसके घर पे, 2 महीने बाद। तो आज अभी आगे चलते अपन घूमने, इसके साथ ही चलेंगे, इसके ये भाई मेरे साथ जाएगा। ठीक है भाई, भाई फाइनली हम आ गए हैं यहाँ पे आना सागर चौपाटी पे। दिखाते हैं आपको आना सागर चौपाटी, बड़ी अच्छी जगह है अजमेर के अंदर है, इसको वैशाली नगर चौपाटी कहलाते हैं। अभी क्या दोपहर के 12:30 हो रहे हैं, तो ज़्यादा पब्लिक नहीं है यहाँ पे, बहुत कम पब्लिक है। और यहाँ पे काम चल रहा है, अभी इसका स्विमिंग पूल वगैरह का बनेगा, फाउंटेन बन रहा है। आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ की बढ़िया अच्छी जगह है, और आपको उनको दिखाता हूँ सब कुछ। जो वो सामने है, वो सामने एक बीच में मतलब रेस्टोरेंट टाइप बना रखा है, रेस्टोरेंट है वो, वहाँ पे मतलब जा सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ा जाना में प्रॉब्लम है, अभी वहाँ जाना थोड़ा मना है क्योंकि बोट वोट को चल नहीं रही है यहाँ पे। तो बोट वोट अभी चलेगी जब जाएंगे वहाँ पे, भी ले आपको लेके चलेंगे। बड़ी अच्छी जगह, देखो दिखाता हूँ आपको, ये पीछे का है पब्लिक के लिए, बढ़िया जगह है। गाइस मेरा नाम है अनुभव सिंह गंगारोत और आज हम चौपाटी आए। हम दोनों ने डिसाइड किया था कि आज चौपाटी चल के एक वीडियो बनाएंगे, आपको ब्लॉग दिखाएंगे, ब्लॉग दिखाएंगे आपको। तो हम देखो चौपाटी आए, आप देख सकते हो नज़ारा, मतलब कि बहुत सुंदर नज़ारा है। हम दोनों के अलावा पे कोई नहीं है एंड बहुत धूप हो रही, गर्मी भी बहुत है, तो क्या करें, पसीने आ रहा है। फिर भी चलो, हमने सोचा कि आज चलते ही हैं। 2-4 दिन से हम बना रहे थे प्रोग्राम, तो हम आज आए हैं वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि स्नो के पानी है और कल से प्लांट से आप देख सकते हो पानी में बढ़िया ठंडी हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है। वैसे एहसास नहीं हो रहा कि थोड़ी धूप है, तो जैसे कि यहाँ से ये ऊपर सर्किट हाउस है, सर्किट हाउस देखो यहाँ पर अजमेर का सर्किट हाउस है ऊपर, आप सामने देख रहे हो पूरा वैशाली नगर, भाई सागर सब कुछ है, सारी चीजें हैं। सामने टापू है, बोट की तरफ से जाते हैं, पर अभी और लॉकडाउन बंद कर रखा है। ये इधर देख सकते हो आप, उधर दरगाह वरगाह का एरिया है, और ये बारादरी है जो अभी मतलब बंद है, अभी बंद कर रखी है, देख सकते हो आप। बारादरी और ये यहाँ पे मतलब घूमने के लिए बना है, ये घूमने के लिए ट्रैक है। बारादरी से चौपाटी आप सीधा मतलब इस दो जरिए जा सकते हो, ये चीज बनी हुई है। कुत्ते भौंक रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे डर लग रहा है, फिर भी हम चलते हैं, बहुत थक गए हैं, चले चलते हैं। मेरे फ्रेंड ने एक जगह ढूंढी है, उस पर बैठते हैं थोड़ा, ये भी गर्म है, गर्म है, गर्म है, थोड़ा बैठ के रेस्ट करते हैं फिर। अच्छा लग रहा है, मतलब यहाँ का मौसम भी बढ़िया अच्छा हो रहा है, पानी के साथ में बैठे हैं, ठंडा ठंडा मौसम भी हो रहा है, गर्मी भी है लेकिन पानी है आस में, तो हवा चल रही है ठंडी ठंडी। देखो ये हम ये यहाँ पे बैठ गए ऊपर सर्किट हाउस के नीचे बैठ गए, और इसके बाद मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये मतलब ये जो है लेक, ये ज़्यादा गहरा भी नहीं लेकिन बहुत लंबा चौड़ा, बहुत लंबा, मतलब पूरा अजमेर का कॉर्नर, पूरा अजमेर दिखता है यहाँ से, पूरा अजमेर आप राउंड में देख लो, पूरा अजमेर दिखेगा, हर चीज़ दिखती है। वो सामने अजमेर की बिगेस्ट होटल भापचंद जी की कोठी है सामने, और ये सब पूरा अजमेर पूरा राउंड में आता है। आप अगर अजमेर के चारों तरफ घूमेंगे, मतलब इस लेक को देखते हुए अगर आप चारों तरफ घूम सकते हैं, तो आप अजमेर में पूरा घूम लेंगे। और इसके अंदर मतलब आपके हिसाब से मैं बताता हूँ, इसके अंदर कम से कम 1000 से 1.5 हज़ार करोड़ों मछलियाँ हैं,
बहुत करोड़ों मछलियां हैं इसके अंदर, लेकिन अभी थोड़ा यहाँ पे मतलब गंदगी कारण ये सब के कारण थोड़ा वो बर्ड फ्लू वगैरह इस कारण सब फैल चुकी है। और ये देखो ये भाई साहब मजे ले रहे हैं पूरे, और बड़ा अच्छा लग रहा है। बड़े दिनों बाद आए आज, हम यहाँ पे मतलब 2-2.5 महीने बाद आए हैं। 2-2 लॉकडाउन शुरू हुआ था उसके भी पहले, बहुत पहले आए थे, एक बार शूट पे आए थे जब आए थे, उसके बाद में अब आ रहे हैं सीधा। तो बड़ा अच्छा लगा है यहाँ पे आके, देखो इसको मज़ा आ रहा है, इसको बिल्कुल अच्छा लग रहा है पानी में। यहाँ के अब आज अभी तो सब कुछ बंद कर दिया है यहाँ पे कि ना नीचे उतरना वगैरह सब कुछ बंद है। बाकी देखो पहले तो हम वहाँ जगह हो जा करती थी, और ये जो रेलिंग देख रहे हो ये रेलिंग भी नहीं थी, हम नीचे बैठा करते थे इस पट्टियों पे पानी के पास, पानी यहाँ तक आता था पूरा। लेकिन आज अभी थोड़े सेफ्टी के कारण तो अभी मतलब मर्डर वर्ड यहाँ पे कोई लोग बाग कूद जाते हैं पानी के अंदर, सुसाइड कर लेते हैं, तो इस कारण से यहाँ पे ये सेफ्टी के कारण लगा दिए रेलिंग्स वगैरह। बाकी तो यहाँ सब पूरा खुला था पहले तो, और बड़े अच्छा लगता है यहाँ। पहले धोबी घाट भी था, धोबी घाट अभी तो हटा दिया है, दूसरी जगह कर दिया, क्योंकि पानी सरफ का पानी यहीं अंदर जाता था, तो इसलिए वो मछलियों को और जानवरों को हार्मफुल होता था, इसलिए उसको बंद कर दिया, धोबी घाट को अलग जगह शिफ्ट कर दिया। देख लो आप एक बार, बड़ी अच्छी जगह है, चलो आपको दूसरी जगह भी दिखाएंगे। अभी यहाँ पे आगे भी बड़ी अच्छी जगह है, एक और दूसरे लेक है और चौपाटी एक और है, वहाँ चल देंगे फिर देखते हैं। बाय। अभी हमें ना दूसरी चौपाटी पे आ गए, दूसरी चौपाटी यही है, उसी के पास में जुड़ी हुई है, जो मतलब यहाँ पे नॉर्मली जैसे बॉम्बे वगैरह में चौपाटी होती है वैसी चौपाटी है यहाँ पे भी। अभी हम देखो ब्रिज पे खड़े हैं, ये ब्रिज है और ये पूरा एरिया वही एरिया है, मतलब पहले वहाँ पे थे, अब यहाँ पे आ गए। वो बीच में देखो वहाँ पे काम चल रहा है अभी, वहाँ पे वाटरफॉल का काम चल रहा है, और अभी बीच में आ गए, तो ये मतलब अच्छी जगह है जो ब्रिज बना हुआ है। और बाकी चीज़ें देखो आपको बताते हैं, आगे चलते हैं, आगे थोड़ा बहुत और आगे चल के बताएंगे आपको कि आगे बढ़िया बढ़िया जगह है, आगे अच्छी अच्छी जगह दिखाएंगे, और चलो आपको आगे लेके चलते हैं फिर बात करते हैं आगे। ये देखो ये वही है, और ये देखो ये अलग चौपाटी बनाई हुई है यहाँ, मतलब अभी हम तो अभी दोपहर को आए हैं, क्योंकि शाम को यहाँ पे 6-4 बजे लॉकडाउन लग जाता है वापस से, सारी चीज़ें बंद हो जाती है, इसलिए हमारे को दोपहर को आना पड़ रहा है। लेकिन दोपहर को भी यहाँ अच्छा लग रहा है, धूप का इतना एहसास नहीं हो रहा, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है। और ये देखो यहाँ पे साइकिल स्टैंड है, मतलब शाम को यहाँ पे खुलता है सब कुछ जब, तो यहाँ पे साइकिल किराए पे मिलती है, आप साइकिल चला सकते हो। अभी यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, बहुत भीड़ होती है, बहुत रश रहता है यहाँ पे लोगों, वो कपल रोमांटिक एरिया हो जाता है ये। हाँ यहाँ पे बड़े कपल घूमते हैं, और मतलब अभी यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, लेकिन पब्लिक इतना वो करती है, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ था आई लव अजमेर भाटे से, पूरा पत्थर का काम था, लेकिन वो भी तोड़ दिया पब्लिक ने। मतलब क्या बताएं आपको, यहाँ की पब्लिक ऐसी है, बढ़िया बढ़िया जगह है, लेकिन उनको अपन को संभाल के रखना है, अपनी अजमेर की अच्छी जगह है, लेकिन अब क्या करें। लेकिन आपको बताते हैं आगे की चीज़ें, देखो ये रोड है और ये वैशाली नगर रोड है, मतलब अजमेर का जो वैशाली नगर का एरिया है, आप यहाँ से जाएंगे तो वैशाली नगर आएगा, वैशाली नगर रोड पे है ये चौपाटी, उसको वैशाली नगर चौपाटी भी कहते हैं, यहाँ आना सागर लेक भी कहते हैं। ये मॉल है, हाँ ये वो रिलायंस मॉल है यहाँ अजमेर का, और ये इनबॉक्स कैफे ये भी बहुत फेमस है यहाँ का, बहुत फेमस इनबॉक्स कैफे रेस्टोरेंट दोनों है। और ये आना सागर कम से कम, इस आना सागर को बने हुए कम से कम मैं बता रहा हूँ आपको 700-800 साल हो गए हैं, पूरा पानी, मतलब पानी यहाँ पे कभी कम नहीं होता आपको, मतलब कुछ दिनों पहले की बात बता दें, जब यहाँ पे बहुत बारिश हुई थी तो ये पानी बाहर आ गया था पूरा, मतलब पूरा रोड में कवर हो गया था पानी, इतना पानी बाहर आ गया था। लेकिन इतना आज तक मौसम होता है बारिश का, जब सब लोग यहाँ पे चौपाटी खाते हैं, बहुत अच्छा हो जाता है, ठंडी हवा चलती है, जब भी मौसम होता है बारिश का या किसी चीज़ का, तो सब लोग ही आते हैं, सब यहाँ बड़े ही मज़े करते हैं, बहुत अच्छा लगता है लोगों को भी। और आप मतलब दिवाली होली जब देखो शाम को, आप कोई नेशनल बोला था ना, डेकोरेशन होता है, अभी लाइट शो होता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है कि मतलब चौपाटी है।
अच्छा है। और आपकी मतलब मैं अब ये पूछता हूँ आपके शहर में कौन सी फेमस जगह, आप हम कमेंट करके बताना इसकी है ना, आपके आपके शहरों में आप जो भी जहाँ से वीडियो देख रहा है उसके शहर में कौन सी अच्छी जगह है, कौन सी कमेंट करके बताना कि ऐसी कोई जगह हो जहाँ पे मतलब चौपाटी लेक व्यू अच्छा आ रहा हो। और ये मंदिर है शिव जी का, शिव जी अभी तो बंद है मतलब रात 12:30 हो गई है, लेकिन शिव जी का मंदिर है, ये बड़े अच्छा मंदिर है। बाकी ये सब देखो लो, ये सामने वो कितने पैर कौए, हाँ कौए बैठे हैं सामने, बड़े अच्छा लग रहा है, लेकिन पूरा खाली है इसलिए अभी थोड़ा वो है नहीं, अभी दो बाद में भी आपको बताएंगे, अभी तो हम क्या वीडियो शूट करने के लिए आ गए, वरना अभी शाम को या दोपहर को और शाम की तरफ लेट आते तो या सुबह जल्दी आते तो यहाँ पब्लिक मिल जाती, क्योंकि सुबह खुल रहा है तो पब्लिक 4 बजे शाम को 4 बजे ये पूरा बंद हो जाएगा, पूरा अजमेर बंद कर देते हैं कोरोना के कारण, कि कोरोना की गाइडलाइंस के कारण कि पूरा 4 बजे सब कुछ बंद हो जाएगा। अभी आए हाँ देखो आप भाई, जैसा कि आप जानते हो कि अजमेर छोटा सा है और इसके अंदर बहुत कम जगह है घूमने की, 4-5 भी, जैसे कि आनंद सागर हो गया, डैडी का झोपड़ा हो गया और तारागढ़ हो गया और पुष्कर, पुष्कर थोड़ा आउटर एरिया हो जाता है वो भी बहुत अच्छा भी है। कोई नहीं मतलब जो मेन जो है ना घूमने का मतलब जो है मतलब बार बार चल रहा हूँ बट घूमने के रहते थे दरगाह का, वो लगता है मेला लगता है तो बहुत जने आते हैं यहाँ पे, मॉमडन बहुत इंजॉय होता है, छोटा है फिर भी बहुत अच्छा है अजमेर मंदिर है, और बहुत पास पास जगह है, बहुत मंदिर है, माता जी का मंदिर है बहुत अच्छा है, पुष्कर में भी बहुत अच्छे अच्छे मंदिर थे, दरगाह है हमारे पास में बिल्कुल, बहुत अच्छा अच्छा लगता है जब कुछ फेस्टिवल होता है तो हम सब साथ मिलकर मनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमको। आई होप कि आपको ये जगह बहुत अच्छी लगी होगी, तो आप अजमेर के हो तो सीधी सी बात है आपने यहाँ पे आके हमने देख रखा होगा, और आप बाहर के हो तो कभी आप अजमेर आओ तो प्लीज़ यहाँ पे आना जरूर, यहाँ पे इंजॉय करना, यहाँ पे बहुत फास्ट फूड के बहुत लगते हैं यहाँ पे, अभी इस वजह से इस कारण नहीं कुछ नहीं लगा हुआ क्योंकि पुलिस वाले भगा देते हैं, इसलिए कुछ वजह से शाम को आओ तो बहुत अच्छा है, व्यू लगता है सब जगह, लाइटिंग होती है, लाइटिंग शो होता है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सब फास्ट फूड मिलते हैं। गाइस अभी हम आ चुके हैं बजरंगगढ़ चौराहा, ये बजरंगगढ़ चौराहा है और ऊपर है बालाजी का मंदिर है जो अभी कोरोना के कारण बंद हो गया है, कोरोना के कारण उसको बंद कर रखा है अभी क्योंकि गाइडलाइन अभी नहीं आई है मंदिरों को और तीर्थ स्थानों को खोलने के, लेकिन ऊपर मंदिर है और ये है मतलब एंट्री टैंक है यहाँ पे, ये मतलब सिनेमा टैंक है, बहुत सालों पहले इंडियन आर्मी लेके आई थी 1971 में लेके आए थे इसको यहाँ पे इंडिया में, बहुत सारे आए थे, जीत का आए थे जब का है, तो ये ऊपर तो बालाजी का मंदिर है वहाँ पे भी आपको कभी लेके चलेंगे, अभी तो बंद है सब कुछ, और आपको आगे दिखाते हैं, आगे एक माता जी का भी मंदिर है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी वो भी थोड़ा बंद है लेकिन आपको वो दिखाता हूँ मैं, ये देखो ये माता जी का मंदिर है, ये भी कोरोना गाइडलाइंस के कारण इसको अभी मतलब बंद कर रखा, पूरा ढक रखा है इसको, ये पूरा गाइडलाइंस के कारण ये पूरा बंद है, ये भी बहुत बड़ा ट्रस्ट है यहाँ का अजमेर का, पूरा बंद है ये देखो सब बंद है, और ये सामने जेलन हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल कॉलेज सब कुछ है, बाकी आपको दिखाएंगे आगे की बातें चीज़ें सब कुछ बताएंगे, ये हॉस्पिटल है ये मतलब यहाँ एक तरीके से यहाँ कोरोना वार्ड था पहले, ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब हम आपको मतलब हम पूरी कोरोना की पूरा रखते हैं, मास्क वास्क सैनिटाइजर स्टेशन सब कुछ करते हैं, हम आपको भी कहते हैं कि आप भी मास्क जरूर पहने बाहर निकले, सैनिटाइजर सब लगा, क्योंकि कोरोना के मरीज़ बहुत बढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये पूरा रोड है अच्छा बढ़िया रोड है, मतलब यहाँ पे कभी भी आओ नॉर्मल टाइम आपको इतना रश तो मिलेगा। तो गाइस फाइनली हम अभी घर पहुंच चुके हैं, और अभी हमने कोल्ड ड्रिंक लेके आए थे, कोल्ड ड्रिंक पिए और अभी पहुंचे हैं, बड़ी गर्मी थी यार तो कोल्ड ड्रिंक तो लेनी थी क्योंकि बहुत गर्मी है, और फिर आपको हमने सब कुछ बताया और सब कुछ दिखाया, और मैं आपको कैसा लगा वो हमारे को कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा, और भाई ये भी है और ये इसको भी बड़ी गर्मी लग रही थी बाहर, तो हम सब जल्दी से जल्दी आ गए, तो भी हम वहाँ पर 1 घंटा तो रुक गए वहाँ पर, और हम बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को जितना हो सके आगे तक बढ़ाना, और अगर इस चैनल में कोई भी आपको मतलब इस वीडियो में अगर कोई भी गलती या कोई हमारी गलती हो गई हो या फिर जो हम सुधार कर सकें वो बताना, कमेंट करके बता देना। हाँ, और एक और बात, मेरे भाई है सक्षम शर्मा, उसकी भी एक नई वीडियो आई है, वो सिंगिंग करता है, उसकी वीडियो आई है जान निसार नाम वीडियो सॉन्ग आया है उसने, तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसको भी एक देखना जाके, उसके भी व्यूज लाइक सब अच्छे से बनाना, और ये भी बोलते आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, थैंक यू।
तो बस आप इस चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।